guys, welcome back to my channel. Those are new to my channel, hi, my name is Vanita and today's video is going to be a Nykaa haul. मेरे previous Nykaa haul को आप लोगों ने पसंद किया था, so I thought to make another video. And guys, Nykaa पे Republic Day sale चली थी, तभी सारी चीजें मैंने मंगवाई थी और जितने भी मेकअप ब्रांड्स है उसमें 20%, 30%, 40% ऐसे करके ऑफर चल रहे थे. और नॉट ओनली दिस गाइज, आप जब भी Nykaa से शॉपिंग करोगे कुछ ना कुछ आपको अच्छा डिस्काउंट में मिल जाएगा, ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं. I have lots of products for you guys. You can see, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मंगवाई. So आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सारे प्रोडक्ट्स और डिटेल में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. So guys, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए. वीडियो पसंद आए ना, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड दोज आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर मेरे वीडियोज आप लोगों को पसंद आते हैं दैन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए. सो विदाउट फॉर अ डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज, माई फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बायोटिक बायो पपाया टैन रिमूवल स्क्रब, आप देख सकते हो. अनदर आई हैव बायोटेक एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो पपाया विजिबली फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश. मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं ये. मैं जब भी मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील करती है आई यूज टू यूज़ दिस वन. और ये सबसे बेस्ट पार्ट ये है, मतलब ये जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते हैं, बहुत अच्छे से एक ऑयली इफेक्ट आता है. और ये वाला मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये ना एक इंस्टेंट एक फेयरनेस देता है. और जो स्क्रब है ये जो बायोवेट का पपाया है ये बहुत अच्छे से टैन रिमूवल करता है. और ये तीनों प्रोडक्ट ड्राई स्किन वालों के लिए है, दिस इज़ नॉट फॉर ऑयली स्किन. फेस वॉश यूज़ करना पसंद करती हूँ जो मेरे स्किन पे एकदम हार्श ना लगे और एकदम ड्राई इफेक्ट ना दे, तो मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं. और ये आयुर्वेदिक है तो स्किन पे कोई मुझे नहीं लगता कि आपको कोई स्किन पे कोई इफेक्ट करने वाला है. तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट डील गाइस, आप अगर ऐसा कुछ बजट फ्रेंडली वाला फेस वॉश ढूंढ रहे हो देन गो फॉर इट, आई जस्ट लव द प्रोडक्ट. सेकेंड प्रोडक्ट इज ये एम कैफिन का है, ये आप देख सकते हो. एम कैफिन नेकेड एंड रो कॉफी बॉडी लोशन, ओ माय गॉड इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट. वी ऑल नो कि कॉफ़ी हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है और ये नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी है और लाइट वेट है, नॉन ग्रीजी जेल लोशन है. ये स्किन पे बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं देता है, बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. आपको मिल जाता है 200 ml, ये आता है पम्प के साथ. और मुझे ज़्यादातर फेस वॉश या बॉडी लोशन ऐसे अच्छे लगते हैं जो पम्प के साथ आते हैं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं होते हैं, ईजिली हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ ये यूज़ करके, ये कुछ ऐसा दिखता है. और ये ना स्किन पे इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना. और मतलब अलग से कोई ऐसे परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम से कम 5-6 घंटे ये स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब रहता है और इसकी खुशबू इधर उधर महकती रहती है. जोक्स अपार्ट एंड यू कैन सी क्लियरली, यू कैन सी एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है स्किन पे. तो गाइज प्लीज़ आप ये परचेज करो, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, जस्ट लव द प्रोडक्ट. माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस पॉन्स का ये सुपर लाइट जेल ऑल फ्री मॉइस्चराइजर फॉर नॉन स्टिकी ग्लोइंग स्किन विथ हाइलोरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है इसमें. तो मैंने सोचा क्यों ना ये मंगवाया जाए. और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है इसका रिव्यू करते हुए, तो आई थॉट क्यों ना मैं एक बार ये वाला यूज़ करूं. और ये यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ड्राई स्किन वालों को भी सूट कर लेगा और साथ ही साथ ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. जो जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है दैट कैन यूज़ दिस वन. और ये स्किन पर ना इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने स्किन पर कुछ यूज़ किया है. तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ये ऐसे एक पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा और इसको आपको जस्ट ओपन करना है. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी, और ये एकदम क्रीमी टेक्सचर जैसा है, आप यहाँ पे देख पाओगे एंड आप देख सकते हो. एंड कैन यू सी द शाइन. तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है और ये आपको मिलता है 147 ग्राम का. और ये आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो आपका लगभग 1-2 महीना तो आराम से चल जाएगा. कहता है दिन में भी आप जब बाहर जाओगे तो आप ये आराम से यूज़ करके जा सकते हो, क्योंकि ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जैसा है तो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं लाएगी. प्राइस भी ज़्यादा नहीं है तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग वन. आई हैव
दिस चीज शीट मास्क, ये गार्नियर से है और ये वाला जो शीट मास्क, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये शीट मास्क। और ये है एजलेस वाइट सुपर हाइड्रेटिंग फॉर्मिंग टिश्यू मास्क विथ ग्रेप सीड एंड हाइलुरोनिक एसिड फॉर डल स्किन लैक ऑफ फर्मनेस। तो मेरे जैसे जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है आप यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी आपको बाहर जाना है जस्ट आप मेकअप के पहले ही आप यूज़ करके जा सकते हो। बहुत ही अमेजिंग शीट मास्क है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आई थिंक 75-80 ऐसे करके प्राइस है, तो इसलिए मैंने ये वाला 3 परचेज कर लिया है जिससे मेरे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिली। अब ये मैबलिन का ये 2 न्यू शेड वाला लिपस्टिक है और ये एक्चुअली बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी बट मेरे को नहीं मिल रहा था, बट जब मैंने ये देखा कि ये दोनों कॉम्बो पैक में आ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट ये वाला ले लो और इट्स एन अमेजिंग शेड, कैन यू सी। मैंने ये वाला शेड आज यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा कलर है और एकदम न्यूड है और ये एक्चुअली मैं मैट नहीं है और थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी में है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन एक है ये वाला शेड जो बहुत ही प्यारा कलर है एंड अनदर वन आई हैव ये वाला शेड, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा कलर है और देखने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है बट दे आर नॉट सेम और 299 में आपको दोनों मिल जाएंगे एंड आप देख सकते हो पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। आई जस्ट लव ऑल मेवलिन जो शेड्स आते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स होते हैं और न्यूड शेड भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड टू टेक एनी ऑफ दिस शेड देन गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेक कर लेना। क्वालिटीज, ये फेसेस कैनेडा का ये फाउंडेशन है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने ये यूज़ भी किया है, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाता है और ये एक्चुअली मिलता है 18 ml का ये आता है और एकदम क्रीमी टाइप से हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है और स्किन पे ना बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये एकदम एक नेचुरल फिनिश रहता है, जिन लोगों को ज़्यादा मेकअप करना नहीं पसंद है इट्स ए ग्रेट ऑप्शन फॉर देम एंड इट्स ए वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन, अल्ट्रा ब्लेंडेबल एंड कंफर्टेबल टेक्सचर दैट लाइट ऑन स्किन एंड नेचुरल एंड ल्यूमिनस फिनिश डज नॉट क्लॉक पोर्स एंड सुइटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, तो मुझे लगता है ये ऑयली स्किन वाले हैं, ड्राई स्किन वाले हैं, नॉर्मल स्किन वाले हैं, कोई भी स्किन टाइप हो ये अच्छे से सूट कर लेगा। दिस टू ये वेट एंड वेल्ड का ये आई शेडो पैलेट है और साथ ही साथ ये ब्रश वाला है और ये मैंने अपने वीडियो में बहुत यूज़ भी किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। और ये ना इतना वेट एंड वेल्ड का जितने भी प्रोडक्ट्स ना इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते, तो इससे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये जो है ना आप खुद ही देख पाओगे, इसमें बहुत सारे शेड है, यहाँ पर आप चाहे ये कॉन्टोर भी आप कर सकते हो, हाईलाइटर भी है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा सा शेड मिल जाएगा, मतलब लगभग सारे शेड है यहाँ पे। मैं आपको सारे शेड दिखा देती हूँ, जैसे ये ब्राउन वाला शेड आप देख सकते हो, दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट। एंड देन आई हैव दिस वन, आप खुद ही देख पाओगे। एंड देन दिस ब्लैक वाला, कितना अच्छा ये शाइनी इफेक्ट देता है और जो पाउडरी वाला है वो एकदम मैट फिनिश है, कैन यू सी द पिगमेंटेशन। एंड अनदर वन आई हैव दिस ग्लिटरी शेड, आप तो खुद ही देख पाओगे। आई विल सजेस्ट यू गाइज टू परचेज एटलीस्ट वंस। नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लश, ये भी वेट एंड वाइल्ड से ही है और इसमें मिल जाता है आपको ऐसा ब्रश, आप ये यूज़ कर सकते हो एंड लुक एट द पिगमेंटेशन। ये पार्टी वेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप मैंने आज खुद यूज़ भी किया है, एकदम ज़्यादा ओवर नहीं दिखाता है, एकदम नेचुरल फिनिश देता है ये, मतलब एक हाइलाइटर का भी काम कर लेगा। और प्राइस ज़्यादा नहीं है गाइज, तो आप ये डेफिनेटली आप ये भी परचेज कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा ग्लिटरी अगर पसंद है तो यू कैन बाय दिस वन। और नहीं तो ब्लश मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आई टू यूज़ माई लिपस्टिक एज ए ब्लश, तो मुझे वही अच्छा लगता है, वही पिगमेंटेशन मुझे अच्छी लगती है। बट कभी होता है ना किसी पार्टी में अगर जाना हो तो एक ब्लश तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाला परचेज किया है। बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये वाला ब्लश यूज़ किया है, क्योंकि मैंने ये पहले भी यूज़ किया है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ कि आप प्लीज़ एटलीस्ट एक बार आप ये ट्राई करो। I'm going to give a
बिग थम्स अप। है ये ब्लू हेवन का ये स्केच लाइनर है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और प्राइस ज़्यादा नहीं है, शायद 150 ऐसे या 140 ऐसा कुछ है, और ये बहुत इजीली विन लाइनर ड्रॉ हो जाता है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, आज मैंने ये यूज़ किया है और मैं आपको ये दिखाती हूँ, खुद ही देख पाओगे जब मैं ये आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। रिमूव नहीं हो रहा है, आप किसी ऑयल बेस्ड क्लींजर से या नहीं तो आप किसी ऑयल लेके आप इसको अच्छे से रिमूव करोगे तब ये इजीली रिमूव हो जाए। जैसे आपको विंग लाइनर अच्छे से ड्रॉ करना है तो आप ये डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स हमें मुझे ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, अफोर्डेबल है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। और देखिए मैं आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि मैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में जो यूज़ करती हूँ, मैं जब भी शॉपिंग करती हूँ तो ये ऐसे ही ऑफर देख के मैं शॉपिंग करती हूँ और इतने ज़्यादा कॉस्टली मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने खुद डेली लाइफ पे इतने ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ हमेशा मैं आप लोगों के साथ वही सारी चीज़ें शेयर करूँ जो अफोर्डेबल हो, आप ईजीली इसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर ऑफर हो या ना हो बट देन ऑल्सो वेट एंड वाइल्ड उसके बाद ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स ऐसे भी अफोर्डेबल है, आप आराम से इनको परचेज कर सकते हो। दिस वन ये नायका से है, गो फॉर ग्लो, मेड इन कोरिया, एंड आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ये प्राइसी है और ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी जो पैकेजिंग आप देख सकते हो, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और ये कुछ ब्लू कलर में आता है और आपको मिलता है 50 ml का, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड है, कैस्टर ऑयल है, तो वो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वी ऑल नो कि दे आर अमेजिंग प्रोडक्ट। ड्राई स्किन है और अगर आप लोगों को ग्लो चाहिए आई थिंक इट्स बेस्ट ऑप्शन, आप ये वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आई हैव दिस मैबलिन का ये मस्कारा है, लैशेज को बहुत अच्छे से कर्व करता है। एज वी ऑल नो कि मैं इतनी ज़्यादा कोई फैन नहीं हूँ फेक लैशेज का, तो आई रिकमेंड यू कि जिनको फेक लैशेज नहीं पसंद है आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, और मैबलिन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वैसे भी अच्छे हो। आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंस, ये आप खुद ही देख पाओगे। यू कैन सी द डिफरेंस गाइस, आप ये देख सकते हो मेरी आईज, और ये वाला आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। ओवरऑल जस्ट लविंग दिस प्रोडक्ट, जस्ट गो फॉर इट गाइस। एंड आई हैव ये मेवलिन फिट मी मैक पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड 109 लाइट आइवोरी, ये आपको मिल जाएगा एक स्पंज, और ये जो शेड है आप देख सकते हो टोटल मैट है, और इसका जो मैं आपको दिखाती हूँ इट्स माई स्किन टोन। प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 180 या 170 ऐसे करके कुछ था। जिनको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लेना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसे बिगिनर आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये बहुत देर तक ये स्किन पे रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका स्किन ऑयली हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। दिस निविया का ये है निविया सॉफ्ट गेट पार्टी रेडी विथ बेरी ब्लॉसम, एंड मैं अपने क्लासेस पे जाती हूँ ये मैं कैरी करती हूँ, ऐसा डे टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग पे मैं यूज़ करती हूँ। ड्राई स्किन वालों के लिए भी अच्छा है, मुझे लगता है ये ऑयली स्किन के वालों को भी सूट करेगा क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयली नहीं है। आप खुद देख पाओगे जब से ये आया है मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ उसको, ये ज़्यादा प्राइस नहीं है। विंटर स्किन केयर रूटीन पे आप ये वाला ऐड कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। चाहे आप ये फुट क्रीम एज ए फुट क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, चाहे हैंड क्रीम यूज़ कर सकते हो, चाहे एज ए मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, मेकअप के पहले आप यूज़ कर सकते हो। आप एक बार ये यूज़ करके देखो, आप खुद ही देख पाओगे, और मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। एकदम लाइट वेट है, स्किन पे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, आप खुद देख पाओगे, और एक हल्का सा ग्लो भी देता है। जैसे हैंड क्रीम आप आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी स्टिकीनेस फील नहीं होगा। इसके और भी वैरायटी हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप आराम से ले सकते हो। लिंक दे दिया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट गो फॉर इट।
मुझे कौन सा फ्री गिफ्ट मिला है, क्योंकि नायका में भी आप जब कुछ जैसे 600 या 700 ऐसे करके ऑफर्स रहते हैं कि आप जिस ब्रांड का आप लोगे आपको वहां से आपको कुछ ना कुछ एक फ्री मिल जाएगा, तो इसलिए मुझे भी कुछ फ्री मिला है। जैसे कि ये वाला नेल पेंट मुझे मिला है वेट एन वाइल्ड के जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उसके साथ, आप खुद ही देख पाओगे। शाइनी इफेक्ट दिया हुआ है इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वेट एंड वाइल्ड के जितने भी नेल पेंट मैंने अभी तक यूज़ किए हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है, इतने जल्दी रिमूव नहीं होता है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये वाला नेल पेंट मिला है। एंड देन आई हैव गॉट दिस एम कैफिन से मुझे मिला है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। एक्चुअली में सबसे पहले मुझे ये वाला मिला है एक छोटा सा स्क्रबिंग करने के लिए, जो ये कॉफ़ी से बना हुआ है, ऐसे कॉफ़ी बेस्ड स्क्रब, और ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये प्रोडक्ट, ये कैसा प्रोडक्ट है या इसके यूज़ करने के बाद मेरे को कुछ रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। आई एम गोइंग टू यूज़ इट। एंड देन आई हैव एम कैफिन नेकेड एंड रिच कोको बटर विथ कैरमल बॉडी क्रीम, और ये ना मेरे को लगा कि क्रीम बेस्ड है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोशन बेस्ड है, तो ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मुझे मिला है एम कैफिन से ये कॉफ़ी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल, और ये भी मेरा फर्स्ट टाइम होगा क्योंकि मैंने अभी तक ये वाला भी यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने इनका ना बहुत अच्छा अच्छा रिव्यू देखा है, मैंने सोचा ये प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे होंगे, पॉकेट फ्रेंडली है, ट्रैवलिंग पे भी ये काम आ जाएंगे, अगर जिनको पसंद नहीं है कि इतना हैवी सारा चीज़ लेके जाना तो ये वाला ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये अदर थिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम नायका, एंड यू हैव सीन मेरे को बहुत अच्छा सा ऑफर भी मिला है, साथ साथ इतने अच्छे गिफ्ट्स भी मिले हैं, आपको भी मिल सकते हैं ऐसे ढेर सारे गिफ्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप आप सबको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो डू टू माय चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। There you will see a small bell icon. Don't forget to press that bell icon so that you will get notified when I put any of the video. मैं आपसे मिलती हूँ मेरे next video में. Till then stay happy, stay healthy, take care. Bye bye.